भारत में पेट्रो रसायन जो उत्पाद हैं उनमें वृद्धि की जो दर है उसको हम देख लेते हैं। पेट्रो रसायन उत्पाद जो पॉलीमर है, कृत्रिम रेशा है, इलास्टोमर है और सर्फेक्टेंट है इंटरमीडिएट लैब में, वो 1999 से 2000 के बीच और 2000 से लेकर 2001, इन दोनों का हम कंपेयर कर लेते हैं। इन दोनों वर्षों में इनकी क्या स्थिति रही है, तो हम देखते हैं पॉलीमर जो है इसकी उत्पादन क्षमता थी 3837 हजार टन में, और उत्पादन जो हुआ वो 2702 टन 2702 हजार टन प्रोडक्शन जो है वो किया गया। वहीं 2000-2001 के बीच में हम देखें तो इसकी क्षमता थी 4109 हजार टन और प्रोडक्शन जो है वो किया गया 3441। कृत्रिम रेशा जो था 1999 और 2000 के बीच में इसकी जो क्षमता थी वो 1944 हजार टन की थी और उत्पादन हुआ 1514। और 2000-2001 के बीच में क्षमता हमें 2002 की थी और उत्पादन किया गया 1555। इलास्टोमर जो है इसकी क्षमता 1999 से 2000 के बीच में 142 हजार टन की थी, उत्पादन किया गया 72 हजार टन। और 2000-2001 के बीच जो इसकी क्षमता थी वो 145 थी और उत्पादन 77 हजार टन का किया गया। सर्फेक्टेंट इंटरमीडिएट लैब में 294 हजार टन क्षमता थी, उत्पादन किया गया 326 हजार टन का। 2000-2001 के मध्य 312 क्षमता थी और इसका उत्पादन जो है वो 359 हजार टन किया गया। कुल में हम देखें तो क्षमता में जो है 6217 थी वो बढ़कर 2000-2001 के बीच 6568 हो गई, और उत्पादन भी बढ़कर 1999 से 2000 के मध्य जो 4619 था ये 2000 और 2001 के बीच बढ़कर 5432 हो गया। पेट्रो रसायन उद्योग की सबसे बड़ी समस्या अभी वर्तमान में ये है कि देश में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस की कमी है, और वर्तमान समय में खनिज तेल का उत्पादन जो है वो मांग की तुलना में बहुत कम होता है, इसलिए विदेशों से इसे बड़ी मात्रा में आयात करना पड़ता है। तो आयात जो है वो इसकी एक बहुत प्रमुख समस्या है। भारत में औद्योगिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से सन 1991 में एक नई औद्योगिक नीति घोषित की गई है, और इसका जो है वो बड़े स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था पर जो है इस पे से अनेक नियंत्रण हटा लिए गए थे। इस नीति को बनाने के प्रमुख उद्देश्य ये थे कि अब तक जो लाभ प्राप्त किए गए हैं उन्हें और अधिक बढ़ाना, तो जो लाभ मिल रहा है उन्हें बढ़ाना और साथ ही बनाए रखने के साथ साथ उन्हें और अधिक बढ़ाना। इसके बाद दूसरा इसका प्रमुख जो उद्देश्य था वो है कि उद्योगों की जो कमियां हैं और उनमें जो विकृतियां हैं उनमें सुधार लाना। इसके साथ ही साथ जो उत्पादन वृद्धि, उत्पादन में मतलब जितने भी उद्योग हैं उनमें जो उत्पादन में वृद्धि है उनमें निरंतरता को बनाए रखना, और देश के लोगों को अधिक से अधिक मात्रा में रोजगार के अधिक अवसर विकसित करना। साथ ही साथ उत्पादन जो हो रहा है देश में उसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उसे शामिल करने के योग्य बनाना। ये जो नई औद्योगिक नीति 1991 में बनाई गई थी, इस नीति में कुछ उपाय किए गए थे इसके लिए औद्योगिक विकास को बढ़ाने के लिए, जिसमें प्रमुख था औद्योगिक लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त किया गया, साथ ही साथ जो विदेशी तकनीकी है उसका निःशुल्क प्रवेश कराया गया देश में, और नेक्स्ट था विदेशी सीधा निवेश FDI को प्रोत्साहन दिया गया, चौथा खुला व्यापार इसे भी प्रोत्साहन दिया गया या खुली छूट दी गई, और पूंजी निवेश की सीमा को समाप्त कर दिया गया। अब इस औद्योगिक नीति के जो प्रमुख
या मुख्य लक्ष्य थे? पहला उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। मतलब उदारीकरण के माध्यम से, निजीकरण के माध्यम से और वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को और अधिक प्रोत्साहन देने की बात की गई थी। तो जो उदारीकरण है, उदारीकरण मतलब लिबरलाइजेशन जिसे हम कहते हैं, इस उदारीकरण के प्रमुख जो उपाय थे, घोषित उपाय की हम बात करें तो ये थे प्रमुख। पहला, जिसमें औद्योगिक लाइसेंसों को समाप्त कर दिया गया, विदेशी प्रौद्योगिकी का स्वतंत्र प्रवेश दिया गया, प्रत्यक्ष विदेश निवेश नीति को अपनाया गया, पूंजी बाजार की सुलभता की गई, मुक्त व्यापार को बढ़ावा दिया गया और चरणबद्ध जो विनिर्माण कार्यक्रम है उनको समाप्त किया गया और साथ ही साथ औद्योगिक स्थानीयकरण कार्यक्रमों में उदारता को अपनाया गया। उदारीकरण की नीति के अंतर्गत जो प्रमुख था उसमें सुरक्षा, सामरिक और पर्यावरण के दृष्टि से जो संवेदनशील उद्योग हैं, उनमें पहले जो छह उद्योग शामिल थे, उन छह जो पहले उद्योग शामिल थे उस सूची में शामिल छह उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी जो वस्तुओं के लिए लाइसेंस प्राप्त करना, अब उसकी अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। और इसके साथ ही साथ सन 1956 से जो सार्वजनिक क्क्षेत्र के लिए सुरक्षित उद्योगों की संख्या को 17 से घटाकर 4 कर दिया गया है। सुरक्षित उद्योगों की सूची में परमाणु ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा विभाग की सूची में दिखाए पदार्थ और रेल परिवहन जो है वो शामिल है। और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में सरकारी शेयरों को भी कम किया गया है। दूसरी जो इसकी व्यवस्था अपनाई गई थी वो था निजीकरण या हम जिसे प्राइवेटाइजेशन कहते हैं। सन 1956 में जो औद्योगिक नीति बनाई गई थी उसमें सार्वजनिक क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया था, लेकिन सन 1961 में जो 5 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम थे जिनका निवेश 29 करोड़ रुपए का था, वो मार्च सन 2000 तक इन उद्यमों की संख्या बढ़कर 240 हो गई और इसमें निवेश भी जो है वो बढ़कर 2,52,554 करोड़ रुपए का हो गया। अब जो नई औद्योगिक नीति बनाई गई है 1991 में, उसमें निजीकरण को बहुत ज्यादा बल दिया गया है और सार्वजनिक क्षेत्र को सुधारने की प्रक्रिया भी प्रारंभ की गई है। सार्वजनिक क्षेत्र या सरकारी क्षेत्र के जो उद्यम है उनमें सरकारी नीति के प्रमुख तत्व जो हैं वो निम्नलिखित हैं, जिसमें पहला, सार्वजनिक क्षेत्र के सभी गैर सामरिक उद्यमों में सरकारी शेयर, मतलब जो उनमें सरकार की वित्तीय भागीदारी होती है, उसको 26% और उससे भी कम करना। दूसरा, भविष्य में सफल हो सकने वाले जो उद्यम हैं उनकी पुनर्संरचना और पुनर्जीवन के लिए उपाय करना। साथ ही जो उद्योग बीमार चल रहे हैं उन बीमार उद्योगों को बंद करना और कामगारों या श्रमिकों की हितों की पूरी पूरी रक्षा करना। पहले बहुत से उद्योग जो थे वो सार्वजनिक क्षेत्र में सूचीबद्ध थे, उनमें से बहुत से जो उद्योग हैं उनकी मान्यता समाप्त की गई है। 1956 का जो औद्योगिक प्रस्ताव था उसमें सार्वजनिक क्षेत्र के लिए 17 उद्योगों को सुरक्षित कर दिया गया था, लेकिन अब केवल 4 श्रेणी के उद्योगों को ही सार्वजनिक या सरकारी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है, अन्य उद्योगों को निजी क्षेत्र के लिए सुरक्षित रखा गया है और अन्य उद्योगों को भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। यही नहीं, अब तो सैनिक साज सामान बनाने वाले जो उद्योग हैं उनको भी निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है। इसमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 26% तक हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के लिए जो सुरक्षित उद्योग हैं उन्हें विवेक के आधार पर भागीदारी के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया जा सकता है। इस निजीकरण का प्रमुख उद्देश्य हम कह सकते हैं जो घरेलू और बहुराष्ट्रीय निगम हैं, मल्टीनेशनल जो कंपनियां हैं, उनको निवेश के लिए अपनी तरफ या अपने देश में आकर्षित करना है और जो नए क्षेत्र हैं जैसे खनन है, बैंक हो गया, दूर संचार के क्षेत्र में, नेशनल हाईवेज
जो होते हैं महामार्ग निर्माण में और प्रबंधन के क्षेत्र में निजी कंपनियों को उसके लिए खोल दिया गया है। लेकिन जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां या मल्टीनेशनल कंपनियां जो हैं, वो निजीकरण में दी गई सुविधाओं का अब अनुचित लाभ उठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो इसका एक माइनस पॉइंट है। फिर जो 1991 की औद्योगिक नीति, जिसमें हमने कहा औद्योगिक विकास के लिए जो तीसरा प्रयास किया गया था, तीसरे प्रयास के माध्यम से औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन देने की कोशिश की गई, उसमें है वैश्वीकरण या भूमंडलीकरण, या हम जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। वैश्वीकरण से हमारा तात्पर्य होता है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है, इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ उसका उसको एकीकृत करना, या हम ये कहें कि उसे मिलाना। इस वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन के अंतर्गत जो पूंजी है, पूंजी के साथ साथ विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं हैं, या हम सेवाओं की बात करें, साथ ही साथ संसाधन और श्रमिक, इन सभी का एक देश से दूसरे देश की तरफ जो स्वतंत्रता पूर्वक हम आवागमन कर सकते हैं या आयात निर्यात किया जा सकता है। इस वैश्वीकरण का मुख्य जोर जो है वो घरेलू और विदेशी प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना होता है। भारतीय परिप्रेक्ष्य में हम इसे कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं, इस पॉइंट्स के माध्यम से, जो अर्थव्यवस्था को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए विदेशी कंपनियों को सुविधाएं देना, ताकि वे भारत के जो विभिन्न आर्थिक क्रियाकलाप हैं अलग-अलग क्षेत्रों में, उनमें निवेश कर सकें। साथ ही दूसरा, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के जो प्रवेश में आने वाली बाधाएं हैं या प्रतिबंध जो हैं, उन्हें हटाना। तीसरा, भारतीय कंपनियों को भारत में विदेशी सहयोग की अनुमति देना और उन्हें विदेशों में संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना। प्रभावशाली उदार आयात कार्यक्रमों को लागू करना। इसके लिए सबसे पहले जो मात्रात्मक प्रतिबंध हैं, उनके स्थान पर टैरिफ्स पद्धति को लागू करना, और इसके बाद शुल्क को भी बहुत हद तक घटाना या नहीं रखना। इसके बाद निर्यात प्रोत्साहन के स्थान पर निर्यात बढ़ाने के लिए विनिमय दरों के समायोजन को स्वीकार करना। यूं तो हम कहें तो वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस है, या इसकी जो प्रक्रिया है, वो 80 के दशक में ही शुरू हो गई थी, जब जो विदेशी निवेशक हैं उन्हें अनेक प्रकार की टैक्स में या अलग अलग चीजों में छूट दी जाने लगी थी। लेकिन बहुराष्ट्रीय कंपनियों की प्रतिरक्षा सहित अनेक ऐसे क्षेत्रों में निवेश की स्वीकृति दी जाने लगी जो पहले नहीं दी जाती थी, अब उन्हें इस क्षेत्र में खुली छूट दी जाने लगी है। कुछ विशेष क्षेत्र ही हैं जिन्हें छोड़कर लगभग सभी क्षेत्रों में लाइसेंस पद्धति को अब समाप्त कर दिया गया है और आयात को और लिबरल बनाया गया है, या हम कहें कि और अधिक उदार बनाया गया है। और लेकिन यदि हम बात करें तो ग्लोबलाइजेशन है या वैश्वीकरण है, उसको वास्तविक गति तभी मिली जब जुलाई 1991 में केंद्र सरकार ने नई आर्थिक नीति को अपनाया, और तब से लेकर ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण की दिशा में बहुत कुछ निश्चित कदम उठाए गए हैं। और ये भारतीय रुपये को चालू खाते का पूरी तरह से परिवर्तनीय भी बना दिया गया है। तो ये कुछ नई औद्योगिक नीति 1991 के कुछ प्रभाव थे, जिसके माध्यम से देश में औद्योगिक विकास को बढ़ावा दिया गया है। यदि हम ओवरऑल में बात करें, इसके जो प्रमुख 6 तथ्य हैं जिसके माध्यम से औद्योगिक विकास को बहुत अधिक प्रोत्साहन मिला है, चाहे हम उदारीकरण के माध्यम से बात करें, ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण के माध्यम से बात करें, या निजीकरण के माध्यम से, इन सभी क्षेत्रों में के माध्यम से यह कोशिश की गई है कि इन 6 जो प्रमुख चीजें हैं उन्हें अपनाकर औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन मिला है, जिसमें सुरक्षा, सामरिक या पर्यावरण से जुड़े 6 उद्योगों को छोड़कर शेष सभी उद्योगों के लिए लाइसेंस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। हमने बात की निजीकरण के अंतर्गत सरकारी सेक्टर के लिए जो सुरक्षित उद्योग थे, उनकी संख्या पहले 17 थी, जिसे घटाकर 4 कर दिया गया है,
और इस प्रकार 13 उद्योगों के लिए जो निजी क्षेत्र के दरवाजे हैं उसे सरकार ने खोल दिए हैं। केवल परमाणु शक्ति और रेलवे से जुड़े उद्योग ही सरकारी क्षेत्र में बने रहे। तीसरा चीज है इसमें कि किसी भी उद्योग में जो पूंजी निवेश की सीमा है, पहले उसकी एक लिमिट थी जिसे अब समाप्त कर दिया गया है, और इसके लिए लाइसेंस और पूर्व अनुमति की व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया है। मतलब भाई इसके लिए किसी प्रकार के परमिशन की भी आवश्यकता नहीं है और लाइसेंस लेने की भी जरूरत नहीं है। एफडीआई को मान्यता प्रदान की गई है, इससे भारतीय उद्योगों में जो विदेशी निवेश हैं उनके दरवाजे खुल गए हैं। नेक्स्ट है, नई नीति में घरेलू और बहुराष्ट्रीय दोनों ही जो पूंजी निवेशक हैं उनको आकर्षित करने के लिए उदारता दिखाई गई है, और एफडीआई का उपयोग घरेलू उपकरणों, वित्त, सेवा और के साथ साथ खाद्य और दुग्ध उत्पादन में भी किया जाने लगा है। तो ये प्रमुख बातें थी नई औद्योगिक नीति की, जिसके माध्यम से हमारे देश में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहन दिया गया है और हमारे देश के औद्योगिक विकास को और अधिक बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की गई है।